Hello friends, good morning. Today we will question practice on Dicks. This is fundamental. Dicks के द्वारा electric field क्या होगा? अगर इसके perpendicular distance पर जाते हैं, perpendicular axis पर जाते हैं, x distance पर electric field क्या होगा? इसका sigma दिया हुआ है, r दिया हुआ है, Dicks दिया हुआ है ये. Sigma क्या है? ये surface charge density है. Charge upon area करके. तो यहाँ पर electric field बताना है. तो ये रिंग से रिलेटेड हो जाएगा. तो देखिए इसका सॉल्यूशन. तो यहाँ पर मैंने एक टॉप व्यू लिया है, इसका फ्रंट व्यू पूरा. सामने से देखेंगे तो इस तरह दिखेगा. ये आर डिस्टेंस पर डी आर थिकनेस का एक रिंग कट कर लिए. तो ये तो इस पर डी क्यू चार्ज क्या हो जाएगा? तो इसका एरिया क्या होगा इस पूरे स्ट्रिप का? इस पूरे स्ट्रिप का एरिया क्या होगा? अगर इस पूरे स्ट्रिप को एक यहाँ से कट करके इसको एक रिबन बना दिया जाए, इस तरह स्ट्रेट लाइन का बनेगा पूरा लंबा जैसा. और इसका ये परिधि क्या होगा? पेरीमीटर हो जाएगा 2πr. और ये थिकनेस क्या होगा? dr. इसका एरिया क्या हो जाएगा? 2πr इंटू dr. और इसका इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है. तो ये इस रिंग पर कितना चार्ज होगा तो ये पता चल जाएगा सिग्मा इंटू इतना लेंथ करने पर. चलिए ये चीज पता चल गया. अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा. ये स्मॉल रिंग के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा. रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? आउटवर्ड्स द सेंटर होता है. तो ये डी बन रहा है. ये रेडियस आर स्मॉल आर है. यहाँ से डिस्टेंस कितना है एक्स पॉइंट का? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. यहाँ से ये डिस्टेंस एक्स है. तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? के क्यू एक्स. रिंग के कारण क्या होता है? के क्यू. डी क्यू का वैल्यू ये है तो यहाँ पर रख दिए सिग्मा 2πr एक्स अपॉन आर स्क्वायर. डिस्टेंस का पावर 3/2 हो जाता है. आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2. अब इसी को सॉल्व करना है. तो इसको मैंने यहाँ से इंटीग्रेशन किया है. दोनों तरफ इंटीग्रेशन साइन लगा देंगे तो उसके बाद पता चल जाएगा हम लोगों को कि कैसे करना है. तो यहाँ से इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये सारा टर्म इधर बचेगा. इसी को रिसफलिंग करके इस तरह लिख दिए हैं. यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है? आर वेरी कर रहा है यानी रेडियस. पहले रेडियस जीरो था, अब फिर रेडियस बढ़ते बढ़ते आर तक जाएगा रिंग तक. यानी जीरो से आर डी आर वेरी कर रहा है. तो यहाँ पर फिर इसी को जो कॉन्स्टेंट है इसको बाहर कर दिए, बाकी सबको रख दिए. अब इसके बाद यहाँ पर आइए, ये सब्स्टिट्यूशन विधि से बनेगा. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग? तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है. एक्स तो ऑलवेज कॉन्स्टेंट होगा क्योंकि इस डिस्टेंस पर ही निकालना है. तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं. तो जब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा? टू आर डी आर और ये टू टी डी टी. अगर हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ dy आएगा, यहाँ पर भी dy, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो इतना आएगा. तो इतना आएगा, समझ में आ गया आपको? यहाँ r dr को t dt से रिप्लेस कर सकते हैं. रिप्लेस कर दिए और r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को t स्क्वायर लिखेंगे. यहाँ पर t क्यूब आ जाएगा. अभी देखिए r का वैल्यू जीरो हो रहा था तो t का वैल्यू क्या होगा? r का वैल्यू जीरो रखेंगे तो t का वैल्यू x आ रहा है तो यहाँ x लिख देंगे. आर का वैल्यू आर आ रहा है तो टी का वैल्यू क्या आ रहा है? आर रख दीजिए यहाँ पे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. बस इस दोनों को रिलेट किए हैं सब्स्टिट्यूशन से. तो ये जब कैंसिल हो जाएगा तो 1/t² और 1/t² का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/t. लिमिट पुट कर दीजिए इतना आ जाएगा. और ये माइनस साइन बता रहा है क्या? पहले ये वाला पुट होगा तो 1/x और फिर ये बाद में पुट होगा इतना. अब इसी को फिर x को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए पूरे में तो 1 - x / √r². तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो k का वैल्यू 1/4πε₀ रख दीजिए तो σ/2ε₀ आएगा. और 1 माइनस इसको cos थीटा लिख सकते हैं. तो हमने याद करने के लिए इसको cos थीटा इसी कारण लिखा क्योंकि ये पूरा डिक्स है तो ये मान लेते हैं थीटा एंगल बनाएगा. तो इसे याद रखने में आसानी हो जाएगा. cos थीटा मतलब x अपॉन ये पूरा डिस्टेंस √r² + x², चाहे कैसे भी ले यहाँ से लीजिएगा, हर एक जगह थीटा एंगल बनेगा. अब इसे रिलेट करते हैं, क्या केस लेते हैं.
ये तो डिक्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, ऑलवेज याद रखिएगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ये याद ही रहता है। इन्फिनाइट सीट के कारण भी यही बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण भी यही बन रहा है। तो यहाँ पर पहला केस है, अगर एक्स लेस लेस देन आर हो, यानी आर बहुत बड़ा है और एक्स छोटा है, मतलब एक्स यहाँ पर आ जाएगा, आर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो थीटा समझ रहे हैं 90 के आसपास हो जाएगा, और कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है। नहीं तो ऐसे समझ सकते हैं एक्स बहुत छोटा है, आर बहुत बड़ा है, तो 1 0/∞ तो जीरो हो जाएगा। अब दूसरा केस देखिए, अगर एक्स बहुत बहुत बड़ा है, मतलब बहुत दूरी पे निकाल रहे हैं, ये डिक्स है यहाँ पे निकाल रहे हैं इनफिनाइट डिस्टेंस पर, तो कैसे होगा, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स से डिवाइड कर दीजिए फिर ऊपर ले जाइए, -1/2 हो जाएगा। ये समझ रहे हैं कैसे आया, एक्स से डिवाइड किए तो एक्स नीचे आएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर इस ब्रैकेट को ऊपर ले जाएंगे तो -1/2, और इसका एक्सपेंशन होता है, अगर पावर निगेटिव है तो उसका एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन का फॉर्मूला है, ये माइनस साइन है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे प्लस आता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर अगला टर्म माइनस में आता है तो इसके कारण प्लस आ जाएगा, फिर इसी तरह हायर ऑर्डर का आएगा, आर स्क्वायर आर की पावर 3/x की एक्स का क्यूब, तो उस तरह क्या हो जाएगा, हायर ऑर्डर हो जाएगा, तो एक्स बहुत बड़ा है ना, तो नीचे का पावर बढ़ता जाएगा, नीचे का पावर बढ़ता जाएगा तो वैल्यू बढ़ता जाएगा नीचे का, तो जीरो की ओर टेंड कर जाएगा, इसी कारण हायर ऑर्डर टर्म्स क्या हो जाएगा, जीरो, और ये वाला टर्म बचेगा 1 1 कैंसिल, तो यहाँ पर सिग्मा बाय 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4π/r² + x², ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा q और ये हो जाएगा 4π/x², तो यहाँ पर देख सकते हैं कैसे रिप्लेस किए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।